वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद। 10,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ता होंगे संवाद में शामिल। नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत के साथ दो अन्य विधायक भी थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी से हुई थी मुलाकात। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब में आपके सीएम फेस का कर सकते हैं ऐलान। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बड़ा फायदा। करीब 35 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 33, आम आदमी पार्टी और अन्य को मिल सकती है एक एक सीट। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। गढ़वाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा तो कुमाऊं में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में 41% के साथ सीएम के तौर पर हरीश रावत उत्तराखंड में पहली पसंद। पुष्कर धामी को 27% लोगों का साथ। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट पर हुआ मंथन। गोरखपुर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर राकेश टिकैत का बयान। चुनाव जीते सीएम योगी, मजबूत विपक्ष यूपी में जरूरी है। नोएडा में ट्विन टावर को ढहाने वाली एजेंसी का नाम तय। सुप्रीम कोर्ट ने एडिफिस कंपनी को किया है फाइनल। नियमों को ताक पर रखकर सुपरटेक ने किया था निर्माण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा भारत में निवेश का सबसे अच्छा समय। 6 महीनों में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हुए रजिस्टर। माफियाओं को सीएम योगी का सख्त संदेश। गुंडों और माफियाओं पर कसते रहेंगे नकेल। नाहिद हसन को लेकर सपा पर हमला बोला। यूपी चुनाव के लिए आईएमआईएम की दूसरी लिस्ट जारी। 8 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। 7 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी को टिकट दिया। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस नेता सरिता आर्य। सीएम थामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में ज्वाइन की पार्टी। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद बीजेपी पर हरक सिंह रावत का आरोप। कहा बिना बताए मुझ पर कार्रवाई। अमित शाह से मिलना चाहता था। मुंह खोलूंगा तो होगा विस्फोट। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। 23 जनवरी के बाद यूपी में होंगी अमित शाह की रैलियां। इंडोर रैलियों पर भी शाह की नजर होगी। बीजेपी की बैठक में निषाद पार्टी के खाते में मिली सीटों पर मुहर लगी। सूत्रों के हवाले से खबर। गोरखपुर ग्रामीण समेत 15 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी ने लिया बीजेपी को हराने का अन्य संकल्प। अखिलेश यादव ने कहा जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किया उन्हें हरा कर रहेंगे। पंजाब में बदली वोटिंग की तारीख। अब 20 फरवरी को होगी वोटिंग। बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों ने 14 जनवरी को की थी वोटिंग डालने की अपील।